माय चैनल माय सेल्फ कुमकुम। सो आ चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे और एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और कुछ डिफरेंट लग रहा है ना, कुछ तो लग रहा है डिफरेंट आप लोग को कि क्या डिफरेंट है। आई थिंक आप लोग गेस कर चुके हो या मेरा लैंग्वेज। मैं बंगाली में ब्लॉग करती थी, वीडियोस बनाती थी बंगाली में बनाती थी मैं वीडियोस। अरे यार ये लैशेज भी ना, सॉरी। सो मैं बंगाली में वीडियोस बनाती थी आप सबको पता है, बट मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे डीएम करते हैं या जो लोग मेरे चैनल पे नए नए विजिट करते हैं वो सब मुझे डीएम करके बोले हैं कि आप बंगाली में व्लॉग मत बनाओ, बंगाली में वीडियोस मत बनाओ, आप हिंदी में बनाओ, हम लोगों को हिंदी ज़्यादा समझ आती है। एंड ऑब्वियसली हिंदी सबको समझ आती है, बंगाली सबको समझ नहीं आती। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो है वो ये है कि मैं इंडिया में मैक्सिमम लोगों को हिंदी ज़्यादा समझ आती है। बंगाली वेस्ट बंगाल के लोग या वेस्ट बंगाल से बाहर जो हैं उन सबको समझ आती होगी, बट हिंदी ज़्यादा चलता है इंग्लिश और बंगाली से ज़्यादा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं जब एंट्री करने वाली थी तभी मैंने सोचा था कि चलो मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ, हिंदी में वीडियो बनाऊँ, हिंदी में ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मैंने देखा है बाकी सबको हिंदी में बनाते हुए। और बट तब क्या था ना, तब मैं यूट्यूब में मतलब सिर्फ आई थी तभी मैं, मतलब नई नई आई थी, मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वीडियो बनाने बैठती थी जब भी तभी ऐसा एक लो कॉन्फिडेंस रहता था कि कैसा बनाऊँगी कैसा बनेगा ऐसा रहता था। बट अभी जो है ना, अभी वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बैठती हूँ वीडियो बनाने के लिए। बट तब वो ऐसा था, इसलिए मतलब हिंदी अगर तब मैं बोलती तो मेरे वीडियोस आप लोग देखने कभी भी नहीं आते और वीडियो का 12 बज जाता लिटरली। तो सो इसलिए मैंने तब बंगाली में ब्लॉग करना ठीक समझा। बट अभी मेरे सब्सक्राइबर्स खुद ही मुझे बोलते हैं कि आप हिंदी में करो, हम लोग को बंगाली समझ नहीं आती। इसलिए मैं आज से फैसला की हूँ कि मैं हिंदी में ही वीडियोस और व्लॉग्स दोनों ही हिंदी में ही करूँगी। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा हिंदी के टर्म्स में, क्योंकि मैं एक बंगाली गर्ल हूँ और मुझे हिंदी उतना अच्छा नहीं आता है, मतलब मैं उतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, मतलब इधर उधर होगा, मतलब खुद का मजाक बन जाएगा। बट आप लोग उसे माफ़ कर देना, मैं अपना 100% दे के अब हिंदी में वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक बोला मैंने? तो ये चला गया मेरा हिंदी का किस्सा पूरा। तो ये एक सरप्राइज था सबके लिए, क्रिसमस का सरप्राइज हम लोग बोल सकते हो, अभी के लिए क्रिसमस का सरप्राइज है ये। सरप्राइज नहीं, गिफ्ट है ये, एक्चुअली ये क्रिसमस का गिफ्ट है। हिंदी में ब्लॉग्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, यो चला गया हिंदी का किस्सा। तो अभी आती हूँ मैं यूट्यूब में बैक होने के बारे में। तो बहुत जन मुझे डीएम करके ये भी बोल रहे थे कि आप यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं डालती हो अभी। एक्चुअली गाइस अगले मंथ मतलब नवंबर 25 को मेरी दादी गुजर गई थी, इसलिए मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक लिया था। जो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, क्योंकि मैंने एक स्टोरी डाल दिया था ऐसे ऐसे लेकर कि मैं कुछ दिन यूट्यूब से ब्रेक ले रही हूँ। बट हाँ, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर से फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मेरे यूट्यूब के बारे में, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। सो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, सो आप जाके देख लो और फॉलो कर लो। मतलब मैं जब भी वीडियोज़ बनाने बैठती हूँ, बाहर से गाड़ी जाते हैं, यहाँ पर मेरा लाइट का सेटअप ये गिर गया, बाहर बच्चे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसका आवाज़ आ रहा है, मतलब साउंड आ रहा है, एक्चुअली आवाज नहीं साउंड आ रहा है, मतलब क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, छोड़ो। तो इसलिए मैंने, हाँ आप वहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर देना। और इसलिए मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा यूट्यूब से, बट अभी से मैं कोशिश करूँगी हर एक ब्लॉग डालने का। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज़ रखने वाली हूँ, बट ना बता दे दूँ ना सरप्राइज़ कैसा, हमें सस्पेंस रहेगा कि वीडियो आने वाला है ऐसा ऐसा देखेंगे। बट मैं बोल दे रही हूँ क्या वो है ये कि हाँ मैं रहती हूँ लेक टाउन में, एक्चुअली मैं लेक टाउन और श्रीभूमि इस एरिया में रहती हूँ कोलकाता के। सो यहाँ पे आप सबको पता होगा 25 दिसंबर से 31 नाइट तक एक कार्निवल होता है,
हमारे इलेक्ट्रॉन के जो क्लॉक टावर है वहाँ पर, वो वाला जो रोड है पूरे उस रोड में होता है, और वहाँ पर फंक्शंस होता है, सेलिब्रिटीज आते हैं और डांस होता है, मतलब बहुत मज़ा होता है, कार्निवल होता है। तो इस साल मैं जाने वाली हूँ कार्निवल में, अगले साल भी मैं गई थी बट तब मैं यूट्यूबर नहीं थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाई, बट इस साल मैं जाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग नॉन बंगाली हैं, जो लोग कोलकाता में नहीं रहते हो, उन सबको दिख जाएगा कार्निवल कैसा होता है हम लोगों के इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि कोलकाता का फेमस, वेस्ट बंगाल का फेमस है पार्क स्ट्रीट, वो सब आप लोगों को पता होगा। और एक है हमारे इधर है, तो इधर बहुत अच्छे से एक पार्टी वार्टी होता है, तो इस साल मैं जाने वाली हूँ यहाँ पे और जाके बनाने वाली हूँ ब्लॉग। सो रेडी रहना आप लोग ब्लॉग देखने के लिए, ब्लॉग बहुत जल्द आएगा मेरे चैनल पे, मैं बक 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 करी जा रही हूँ। सो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल भी देखना है ना, सो चलो जल्दी से ट्यूटोरियल दिखा देते हैं, सो लेट्स गो टू द वीडियो। सो पहले मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे मैक का स्ट्रोब क्रीम यूज़ किया है, उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मेरे स्किन पर। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जेल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मेरे स्किन पर, ये एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मी 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, और मेरा टोन है यहाँ पे 330 कूल सिनेमन। सो यहाँ पे मैंने एक फ्लड ब्रश यूज़ किया है मेरे फाउंडेशन को पहले स्किन पे अच्छे से मेसअप करने के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, वेब ब्यूटी ब्लेंडर, इससे अच्छे से ये फाउंडेशन मेरे स्किन के साथ मैच हो जाएगा। सो देख रही हो कैसे चमक रहा है मेरा त्वचा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा बेस बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, और मैंने यहाँ पे फ्लोमर का पाउडर यूज़ किया है, सेटिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर नहीं है ये एक्चुअली फेस पाउडर है। सो मैं सेटिंग पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, फेस पाउडर ही कर लेती हूँ, सो यही है वो। उसके बाद मैं अपने ब्रश को ब्रश कर लूँगी पहले, ड्रॉ करने से पहले। सो आप देख सकते हो मैं एक ब्रॉ ब्रश से ब्रश कर रही हूँ, एंड देन ऐसे एक फिट ब्रश को लेके मैं ये ब्लैक सा आई शेडो लूँगी, ब्लैक आई शेडो लूँगी, और देन मैं अपने ब्रश को ड्रॉ करूँगी। सो मुझे बहुत टाइम लगता है ब्रश ड्रॉ करने में, इसीलिए मैंने बैक कैमरा मेरे ब्रश को ड्रॉ करके मैं चली आई हूँ, ब्रश मेरा ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी मैक का सेटिंग स्प्रे से, ये मेरा फेवरेट सेटिंग स्प्रे है। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी के रोज़ गोल्ड पैलेट से ये ब्राउनिश शेड लेके पहले मेरे फुल आइस के लीड पे अप्लाई करूँगी, ये एकदम लाइट ब्राउन है। उसके बाद मैं रेडिश थोड़ा शेड लूँगी और यहाँ पे मेरे आँखों के लीड पर ऐसे ऐसे हल्के हाथों से इसे ब्लेंड कर दूँगी, बिल्कुल नेचुरल लुक देना है मुझे, इसलिए मैंने इतना हल्का हल्का लगाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। उसके बाद मैं ये शिमर सा शेड लेके मेरे आइस के इनर कॉर्नर में मैं अप्लाई कर लूँगी। सो ये रहा मेरा आई मेकअप। उसके बाद मैं अपने लैशेज को कर्ल कर लूँगी एक लैश कर्लर से, एंड देन ऑफ कैमरा मैं एक लैश लगा के चले आई हूँ। उसके बाद मेरे इनर कॉर्नर पे ना ऐसा एक हुडा ब्यूटी की न्यूड पैलेट से ये शिमरी सा शेड लेके मैंने अप्लाई कर लिया है, और लैक्मी लाइनर से मेरे लैशेस के एजेस को मैंने फुलफिल कर लिया है। उसके बाद आई ब्लश की बारी। सो मैं यहाँ पे टॉयलेट का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, पीची पिंक, तो ये मैं लगा लूँगी और देखना मैं कितना स्माइल करूँगी यहाँ पे। आहे, उसके बाद मैं एपीके का हाइलाइटर यूज़ करूँगी यहाँ पे। सो चलो 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 हाइलाइटर लगा लेते हैं। एक्चुअली गाइस क्या है ना, मुझे हाइलाइटर और ब्लश ये दोनों लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस दोनों टाइम में ना मैं बहुत स्माइल करती हूँ। देखो मेरा स्माइल नहीं ख़त्म होगा यहाँ पे।
देन मैं ये लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। इसका नाम मुझे नहीं पता, ये मुझे गिफ्ट मिला था इसलिए मैंने आज इसे यूज़ कर लिया है। सो इसका कलर देखो आप, फिर इसे मैं लगा लूँगी। बिल्कुल भी शॉर्टकट से करूँगी मैं इसे, ऐसे करके डब 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 करके पहले लगा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा लिप ड्रॉ कर लूँगी। ये है मेरा शॉर्टकट। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे जल्दी रहती है, तब मैं यही करती हूँ। तो देखो कितनी आसानी से हो गया ना। यो सो मेरा लुक है रेडी। यो अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नीचे ऐसे थंबनेल वाला होता है ना, वैसे एक लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बोलना कि कैसा हुआ है मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा है मेरा वीडियो मुझे बोलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। अभी मेरा टारगेट है 200। सो जल्दी से 200 कर देते हैं चलो, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और बहुत बहुत सारा प्यार देते रहना। और मैंने जो बोला है यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में, वहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लेना वहाँ पे। सो आज का वीडियो इतना ही, फिर मैं लेके चली आऊँगी एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, मैं फिर से वापस आ जाऊँगी। सो जो मैंने बोला है वो भी आने वाला है, वो अच्छा। सो स्टे ट्यून और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, आप लोग बहुत प्यार देते हो। और चलो अभी जाने का वक्त हो गया है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।